नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे ESW स्टील लिमिटेड के बारे में। तो गैस हम इसका चार्ट देख लेते हैं, हम गूगल पे आ चुके हैं। तो गैस देखते हैं इसका हम चार्ट। तो एक दिन का अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, देख सकते हैं कितना ऊपर है। तो गैस हम 5 दिन का भी देख लेते हैं, 5 दिन में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है गैस। तो हम अगर 1 मंथ का देखें तो गैस 1 मंथ में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। 1 साल का अगर हम देखें तो गैस इसने ज़्यादा तो रिटर्न्स नहीं दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं आप गैस। तो अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो अगर हम इसका मैक्स देखें तो गैस मैक्स में तो ये एक किस्म से देखिए 2003 में जीरो मात्र 0.47 पे ट्रेड कर रहा था। तो कितना एक पैनी स्टॉक से कितना ऊपर गया हुआ है, इसने मल्टी बैगर स्टॉक कह सकते हैं आप इसको। तो गैस हम इसका अभी NSE की वेबसाइट पर जाते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में आगे और क्या जानकारी हमें मिलती है। तो गैस हम इसका 30 अप्रैल का ट्रेड देख लेते हैं गैस। तो ये लगभग प्रीवियस क्लोज हुआ था 294.00 पे, और गैस 30 अप्रैल को ये ओपन होता है 294.50 पे, हाई बनाता है गैस 309.90 पे, लो गैस बनाता है ये 290.85 पे, और क्लोज होता है गैस ये 308.35 पे, और अपने बिल्कुल आसपास हाई के क्लोज होता है। तो गैस हम इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स में देख लेते हैं गैस। तो देखें तो जैसे कि हम देख सकते हैं 127.07785 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो कितने ज़्यादा ट्रेड हुए हैं गैस, तो ट्रेडेड वॉल्यूम देख सकते हैं 3,84,19.72 पे हुआ है। तो गैस इसका 52 वीक हाई देख सकते हैं 427.55 21 सितंबर 2018 में, और 52 वीक लो देख सकते हैं 256.60 है 11 फेब 2019। तो गैस इसकी परसेंटेज ऑफ डिलीवरीबल क्वांटिटी और टू ट्रेडेड क्वांटिटी देख सकते हैं 19.98% है। तो चलिए गैस हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं गैस। तो चलिए करते हैं। हम इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इसकी वेबसाइट पे आए हैं, तो गैस देख सकते हैं एम्बिशंस हैव नो बॉर्डर्स, वी आर द इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टील एक्सपोर्टर एंड शिप टू ओवर 100 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स एंड वी आर जस्ट वार्मिंग अप। तो गैस ये तो पढ़ के मेरे को कुछ अच्छा सा फील होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कंपनी इतना कॉन्फिडेंस शो कर रही है। तो देख सकते हैं द स्टील दैट बिल्ड इंडिया फ्रॉम बॉम्बे सिटी टू एयरपोर्ट टू द जमुना एक्सप्रेस वे वी हैव यूज्ड स्टील ऑल द वे। तो गैस कितनी अच्छी बात है कि कहाँ इनकी स्टील इस्तेमाल हो रही है, और कहीं भी किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है। ऐसे ही नहीं आपको किसी की रिकमेंडेशन पे स्टॉक में जाना है। तो गैस पहले उस कंपनी के बारे में जान लें। अभी चलिए हम इसके बैलेंस शीट और इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं गैस। अभी हम इसकी बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। तो टोटल शेयर कैपिटल देखें 2018 में तो 302.00 है, और 2017 में देखें तो 301.00 है, 2016 में देखें तो 939.68 है। तो 2016 में काफ़ी बड़ा हुआ था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देख सकते हैं आप 302.00 सेम ही है, 2017 में भी लगभग 301.00 ही है। तो देखें 2016 में देखें तो 300.90 है। तो अगे गाइस हम इसकी रिजर्व्स देख लेते हैं। तो रिजर्व्स देखें तो हम इसके 2018 में रिजर्व्स देख सकते हैं गाइस 27605.00 है, 2017 में देखें अगर तो 23797.00 है, 2016 में देखें तो 20109.35 है। तो गाइस आगे हम इसकी नेटवर्थ देखेंगे, तो नेटवर्थ आप देख सकते हो 27907.00 करोड़ है। तो आगे हम देखेंगे 2017 की देखेंगे तो 24098.00 है। तो गैस आगे देख सकते हैं हम 21049.03 है। तो गैस आगे हम देख सकते हैं सिक्योर्ड लोन देखते हैं हम इसका कितना है, तो सिक्योर्ड लोन देखते हैं तो 16991.00 है।
तो 2018 में बड़ा हुआ था, 18667.00 था। 2016 में देखें तो काफ़ी कम था ये, 2016 में देखें तो 14991.49 था। तो गैस अनसिक्योर्ड लोन देखें, डेफिनेटली ये बैलेंस शीट में कम होना चाहिए। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो तो कंपनी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अनसिक्योर्ड लोन देखें तो 14732.00 करोड़ है, और 2017 में देखें तो 33233.00 करोड़ है, और 2018 में 16 में देखें सॉरी तो 16584.44 है। तो गाइस इसका टोटल डेट देख सकते हैं हम, 31723.00 है। और गाइस हम इसका देख सकते हैं आगे, 2017 में देखें 33233.00 करोड़ है। तो गाइस आगे देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं आप 31575.83, और डेट जो है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो लगभग एक जैसा ही है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ देखेंगे गैस हम 59363.00, और गैस 2017 में अगर देखें तो 57331.00 है। तो गैस आगे हम देखते हैं इसकी 2016 में लाइबिलिटीज़ कितनी थी, 52624.96। तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं कंपनी कितनी कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट देखते हैं आप 4878.00, और 2017 में देखें तो 5050.00 करोड़, और देख सकते हैं 2016 में 4764.03 करोड़। कैश एंड बैंक बैलेंस देखते हैं तो 601.00 करोड़ है। तो गाइस हम देख सकते हैं आगे 1027.00 करोड़ है 2017 में, और 2016 में देख सकते हैं 598.54 करोड़। तो टोटल एसेट्स देख सकते हैं हम, टोटल एसेट्स देखें हम 59630.00 करोड़। और गैस आगे हम देख सकते हैं 2017 में देखें तो 57331.00 करोड़, और गैस आगे हम 2016 का भी देख सकते हैं 5262.96 करोड़। तो बुक वैल्यू इसकी देखें गैस 2018 की तो 115.98 है, और गैस अगर हम देखें इसकी 2017 की तो लगभग 100.28 है, और अगर हम 2016 की देखें तो 84.94 है। तो गैस इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ाने से पहले आपको मैं इसकी न्यूज़ बताना चाहूँगा, तो न्यूज़ देख लेते हैं गैस। JSW स्टील क्लोजेस अबव 30-डे मूविंग एवरेज तो ऑफ 289.09। तो ये गैस देख सकते हैं ये 30 डेज़ को मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। तो अबाउट देख सकते हैं सेकंड न्यूज़ इसकी देखें तो अबाउट 533 करोड़ ऑफ स्टॉक हो सोल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स, अबाउट 27% की गिरावट हुई है। इतने ज़्यादा शेयर्स बेचे हुए हैं इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ने। तो आगे देख सकते हैं आप JSW स्टील में डिप 51% ईयर ऑन ईयर टू RS 1402.8 करोड़ अकॉर्डिंग टू ICICI डायरेक्ट इन Q4। तो गैस अभी हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो अगर आप न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये तो प्रडिक्शंस हैं, मे बी प्रॉफिट में भी हो सकती है कंपनी, या लॉस होगा तो आसपास कम हो सकता है, या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, बट मेरे ख्याल में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2018 की सेल्स टर्नओवर देखें तो 66234.00 करोड़, और अगर हम 2017 की देखें तो 56913 करोड़, और गैस अगर हम 2016 की देखें 408.58.96 करोड़। तो गैस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में हर जगह, 2018 में देखें, 2017 में देखें, 2016 में देखें। तो गैस एक आधा क्वार्टर, अगर एक या दो क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है तो अच्छी कंपनी है, तो ये अगर डिप जाएगी तो अब भी तो आएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर इसका न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो अगर बुरा रिजल्ट आएगा तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी देखते हैं गैस कितनी है, 1259.00 करोड़, और देखें इसकी 2017 में देखें तो कितनी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी पड़ी हुई है, 4623 करोड़, और आगे देख सकते हैं
52.04 करोड़। नेट सेल्स देखेंगे ऐसे इसका, तो नेट सेल्स देखते हैं 64975.00 करोड़। तो आगे हम देखते हैं 2017 का 52.29.00 करोड़, और 2016 का देखें 3670.706.92 करोड़। तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है गाइस। तो हम अदर इनकम देखें तो -23.00 करोड़ का इसको अदर इनकम में माइनस में है इसका। तो देखते हैं गाइस आगे 2017 में देखें तो 245.00 है इसका अदर इनकम। तो आगे देख सकते हैं हम कितना ज़्यादा माइनस है इसका अदर इनकम 2016 में -5542.15 करोड़। तो टोटल इनकम देखें गाइस हम तो 6450540.00 करोड़। तो अगर हम 2017 की देखें तो 53925.00 करोड़, और 2016 की देखें तो 30081.21 करोड़। तो टोटल एक्सपेंसेस देखें तो इसके गाइस, तो टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं 50822 करोड़। तो आगे हम देख लेते हैं 42136.00 करोड़। तो 2016 का भी देख सकते हैं गाइस 29254.51 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं गाइस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ही हुआ है देख सकते हैं 1371741.00 करोड़। और 2017 की बात करें तो 11544.00 करोड़। और हम देखते हैं गाइस 2016 का तो 6318.85 करोड़। तो शेयर होल्डर्स देखते हैं हम गाइस इसके कितने हैं, 42.55% इसके प्रमोटर्स हैं, और 56.81% जो है FIIs एंड DIIs हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये अच्छी लगे द वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़ गाइस।